हेलो फ्रेंड, हाल ही में स्पीपा कंप्यूटर का सीसीसी का एग्ज़ाम हुआ था। मैं उसमें अपीयर हुई, तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, एक तो सबसे बड़ी बात कि मुझे कहीं भी प्रैक्टिकल में क्या पूछा जाएगा वो मुझे कंटेंट नहीं मिला था, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या कैसे प्रोसीड होता है एग्ज़ाम पेपर, वो सब इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले कि मेरा 1 बजे पहुँचने का टाइम था, मैं टाइम से पहुँची, लेकिन एग्ज़ाम ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे बाद शुरू हुआ। तो जो मेरे दिमाग में था कि पहले थ्योरी का पूछा जाएगा बाद में प्रैक्टिकल आएगा, तो ऐसा नहीं था। जब हम वहाँ पहुँचे तो हम सबको, जितने भी जो कैंडिडेट थे, हमें एक कमरे में बिठाया गया। उसके बाद एक शीट जिसमें रोल नंबर लिखा था और हमारी रिसिप्ट, वो आई। हम सबको हमारी रिसिप्ट दी गई और हमें रोल नंबर याद करने के लिए बोला गया। और फिर जब हम अपना एग्ज़ाम देने के लिए गए, तो वहाँ पे हमें बताया गया पहले हमारा प्रैक्टिकल होगा, उसके बाद थ्योरी होगा। और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट टाइम नहीं था कि आपको इतने टाइम में ही प्रैक्टिकल कंप्लीट करना है। तो जब भी आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो, मुझे तो ज़्यादा टाइम प्रैक्टिकल करने में लगा, थ्योरी करने में मुझे हार्डली बहुत बहुत ही कम टाइम लगा मुझे। तो उसके बाद ये थी कि पहले हमें रिसिप्ट मिली, रोल नंबर मिला। तो जो प्रैक्टिकल था, प्रैक्टिकल में ऐसा टाइम की कोई लिमिट नहीं थी कि ऊपर कंप्यूटर में कोई टाइम लिमिट नहीं आ रही थी। हाँ, जब थ्योरी हमने करी तो कंप्यूटर, पहली बात तो कंप्यूटर पे थी थ्योरी, उसके लिए कोई पेपर पेन कुछ नहीं यूज़ करना था। कंप्यूटर के स्क्रीन पे ही वो डिस्प्ले होता था और उसका टाइम लिमिट रहता था कि आपने कितने टाइम में उसको अटेम्प्ट किया। तो बात करते हैं कि प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल का जो फॉर्मेट था वो कुछ इस तरह था। टोटल ड्यूरेशन इस पे लिखा है 90 मिनट और टोटल मार्क्स 50, सेम पासिंग मार्क 25। और ये स्पीपा इंस्टीट्यूट का है, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल में आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाना पड़ता है अपने नाम का, उसमें आपको अपना रोल नंबर लिखना होता है। तो उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको क्या करना है कि 3 क्वेश्चन दिए होते हैं और कोई भी 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, और 5-5 मार्क्स के ये क्वेश्चन होते हैं। तो अब पहले जैसे क्वेश्चन है, इसमें सेट द स्क्रीन सेवर एज अ ब्लैंक विद वेटिंग टाइम एज अ 2 मिनट। तो सबसे पहले क्या है कि इसमें आपको या तो स्क्रीन सेवर सेट करना है, या तो स्क्रीन सेवर आता है या स्क्रीन का बैकग्राउंड आता है। तो बहुत से कैंडिडेट कन्फ्यूज़ हो रहे थे, वो स्क्रीन सेवर के बदले बैकग्राउंड उन्होंने सेट कर दिया। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि स्क्रीन सेवर बोला है तो स्क्रीन सेवर ही सेट करना है। सेट द बैकग्राउंड एज अ पावर एंड सेट पोजिशन इन सेंटर। तो ये जो भी है, ये स्लाइड्स, ये ऑलरेडी वहाँ पर बनी होती हैं उसके अंदर। हाँ, एक प्रॉब्लम ये थी कि जो कंप्यूटर्स थे और उसकी विंडो थी बहुत ही पुराने ज़माने की जो थी, तो उसलिए थोड़ी उसमें मुझे प्रॉब्लम आई चीज़ों को ढूंढने में। तो पहला ये है। अब जो फॉर्मेट है उसमें क्या है कि हर चीज़ के नंबर लिखे हैं, जैसे कि सेट द स्क्रीन एज अ ब्लैंक विद वेटिंग टाइम एज 2 मिनट। तो इसमें क्या है कि उसमें आगे मार्क्स भी लिखे हुए हैं कि इसके 2 नंबर लगेंगे। और सबसे पहले जब पेपर स्टार्ट हुआ तो हमसे पूछा गया कि आपको इंग्लिश में अटैम्प्ट करना है या गुजराती में। तो अगर आपको इंग्लिश में अटैम्प्ट करना है तो आपको इंग्लिश पेपर मिलेगा, गुजराती अटैम्प्ट करना है तो गुजराती पेपर मिलेगा। बट थोड़ा सा मुझे शॉकिंग ये लगा कि अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो भी आपको गुजराती टाइप करना आना चाहिए। उसके भी कुछ क्वेश्चंस थे कि ये आपको गुजराती में ही टाइप करना है, 2 या 3 नंबर के, जो थोड़ा मुश्किल था। अगर आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है कि क्रिएट द फाइल नेम डिज़ाइन इन द वर्ड पैड। तो आपको वर्ड पैड में एक फ़ाइल क्रिएट करनी है और वो आपको सब इंस्ट्रक्शन दी होती हैं कि उसमें क्या उसका नाम देना है। तो और जो मुझे आया था क्वेश्चन, उसमें था कि 2 JPG फाइल आपको कंप्यूटर में से सेव करनी है और अपने फोल्डर में डाल देनी है और उसका नाम चेंज कर देना है। उसके बाद ड्रॉ अ स्मॉल पिक्चर इन एमएस पेंट एंड सेट सेव इट इन योर फोल्डर बाय द नेम फिगर। तो जो जो आपको जैसा भी आपको क्वेश्चन ईजी लगे, ABC, आप कोई भी 2 अटैम्प्ट कर कीजिए और आपको यू विल गेट द मार्क्स। क्वेश्चन पेपर अलग अलग होता है हमेशा। उसके बाद जो क्वेश्चन हैं वो 10-10 नंबर के हैं और 4 क्वेश्चन हैं और आपको कोई भी 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहला है वर्ड डॉक्यूमेंट में आपको पे आपको टाइप करना है, सॉरी। तो कुछ इसी तरह से डिटो सेम यही फॉर्मेट था।
उसमें जो मेरा टॉपिक था वो सुनामी लिखा हुआ था, और सेम इसी तरह से इसी पैटर्न में उसको टाइप करना था, और दैट वाज नॉट वेरी टाइम कंज्यूमिंग नहीं था। आपको थोड़ा भी आपको कंप्यूटर आता है तो फटाफट ये टाइप कर सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चंस लिखे हैं आपको, जो पैरा है, प्रॉपर फॉर्मेटिंग, तो ये जो है आपको प्रॉपर फॉर्मेटिंग करनी है। उसमें आगे मार्क्स लिखे हुए थे कि फॉर्मेटिंग के एक नंबर मिलेगा अगर आप बोल्ड लिखोगे, जैसे भी उसने बोला है गिव इफेक्ट ऑफ बोल्ड एंड अंडरलाइन टू टाइटल फ्रंट, तो अंडरलाइन जो आपको टाइटल करना है उसमें आगे मार्क्स लिखे हुए थे कि इसके दो नंबर मिलेंगे। सेट द हेडर एज अ इनपुट डिवाइस एंड फुटर एज अ पेज नंबर, तो आपको हेडर और फुटर इंसर्ट करना है। उसमें मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई क्योंकि जो उसके हेडर, और मैंने जैसा बताया कि बहुत ही पुराने ज़माने का कंप्यूटर था और उसमें दैट वाज नॉट वेरी इजी टू फाइंड द थिंग, मतलब थोड़ा फॉर्मेट बहुत ही ज़्यादा पुराना सा लग रहा था। और सेव द डॉक्यूमेंट विद द नेम टूल, तो उसके बाद आपको जो बोला है डॉक्यूमेंट को उसी उसमें सेव करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने बोला कि आपको चार क्वेश्चन में से कोई तीन अटेम्प्ट करने हैं, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये MS Excel जो है शीट वो बनानी है आपको, वर्कशीट। तो आपको पूरा डेटा दिया होता है, आपको फॉर्मूला यूज़ करना होता है, और फॉर्मूला यूज़ करके आपको या तो परसेंटेज, सम, जो भी बोला होता है वो आपको कैलकुलेट करना होता है। हर क्वेश्चन के अलग अलग नंबर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएट MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो आपको बोला है, जैसे कि इसमें बोला है कि तीन स्लाइड मुझे आया था, उसमें चार स्लाइड डालनी थी और टॉपिक था गांधीनगर। तो उसमें ऐसा था कि उसमें आपको चार स्लाइड थी, एक गुजराती में लिखनी थी, तो वो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल रहा। बाकी तो बहुत ईजी है, आप इजीली पावर पॉइंट उसमें बना सकते हो, उसके टेम्पलेट्स ऐड कर सकते हो। तो उन सब के अलग अलग मार्क्स थे कि एक टेम्पलेट का था, उसके बाद जो ट्रांजिशन इफेक्ट डालना था 5 सेकेंड का, उसका दो नंबर था, तो इस तरह से अलग अलग इसके नंबर्स थे। उसके बाद उसका नाम भी स्पेसिफिक था कि आपको ये नाम डालना है और उस नाम से अपनी फाइल में सेव कर देना है। तो क्योंकि जैसे मैंने बार बार बताया कि कंप्यूटर बहुत पुराने हैं, तो बहुत से कैंडिडेट के बीच में ही जैसे कुछ का बंद हो गया था तो उनका सेव नहीं हो पाया, तो मेक श्योर कि आप जैसे ही आप अपना वर्क करें तो उसको जल्दी से जल्दी सेव भी करते रहें। फिर ये आपका नेक्स्ट था MS Outlook में आपको मेल आपको एक क्रिएट करना है अपने सिग्नेचर के साथ। ये सेम मुझे भी आया था और उसमें एक अटैचमेंट भी बोला था कि अपने फोल्डर में से जाके एक अटैचमेंट भी आपको करना है, सिग्नेचर भी करना है और इसमें एक ईमेल गुजराती में सेंड करना है, ये भी आया था। उसके बाद है MS प्रोजेक्ट में आपको ये क्रिएट करना है, ये आपको बताया है उसमें, जो भी जैसा इंस्ट्रक्शन दी होंगी आपको वो उसके साथ, कि जैसे उसमें बर्थडे सेलिब्रेशन का था, इसमें हॉलीडे का है, ये आपको क्रिएट करना है। तो ये बहुत ही बेसिक बेसिक मैंने बताया, और जो भी और क्वेश्चन होंगे मैं उसमें अपलोड कर दूंगी।